आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे लैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कैम्बियम और पिथ। ओके, अब देखो अपने वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन। अब इन दोनों में बस सिंपल सा डिफरेंस है, अपने जो ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है स्ट्रिप जो किसकी होती है, कैम्बियम की। ठीक है, और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की कोई भी स्ट्रिप नहीं होती। अब देखो कैम्बियम अपना क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, डायकोट्स में होती है। दैट मीन्स अपने जो ओपन वैस्कुलर बंडल्स होंगे किस में प्रेजेंट होंगे, डायकोट्स में। ठीक है, क्लोज वैस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ अपनी किस में नहीं होती, मोनोकॉट्स में। ठीक है, सिंपल सा टर्म है और कुछ भी नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कैम्बियम इज एब्सेंट इन क्लोज वैस्कुलर बंडल्स। ऑप्शन 1 दे रखा है ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू जो है अपने वैस्कुलर बंडल्स का पहली बात पार्टी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइट। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू, और वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, कंजक्टिव टिश्यू। अब देखो अपने एक वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनका नाम क्या है, रेडियल। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, यहाँ पे ये जाइलम, ठीक है, ये जाइलम, यहाँ पे भी जाइलम और यहाँ पे भी जाइलम, और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के स्ट्रैंड्स। तो ये अपना हो जाएगा फ्लोएम और ये हो जाएगा अपना जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, इसी पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये कंजक्टिव टिश्यू अपना किस में प्रेजेंट होता है, रूट्स में। और रेडियल वैस्कुलर बंडल्स में क्लोज और ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये किसका पार्ट होते हैं, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स का, और वी कैन से कंजॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। अगर इनिशियली हम देखो इसको डिटेल में अगर थोड़ा हम पढ़ेंगे ना, तो अपने वैस्कुलर बंडल्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि रेडियल हो गया, ठीक है, और कंजॉइंट हो गया। रेडियल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम देख सकते हैं कैसे करते हैं, ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स पे। लेकिन कंजॉइंट में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम सेम वैस्कुलर बंडल में अकर करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सेम रेडियाई में अकर करते हैं। ठीक है, अब कंजॉइंट के ही अंदर आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि फ्लोएम कहाँ पे होगा, आउटर साइड पे, और जाइलम इनर साइड पे। ठीक है, तो अगर इसको अच्छे से हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंजॉइंट कोलेट्रल। अब कोलेट्रल के दो पार्ट्स आते हैं फिर अपने, क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, क्लोज्ड में क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है। तो हमेशा याद रखना है कि कैम्बियम जो होता है अपना किस में होता है, कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स में होता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू होता है। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। फाइनली लास्ट ऑप्शन दे रखा है पिथ। पिथ भी किसका पार्ट है, अपना ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, ये भी अपने वैस्कुलर टिश्यूज में नहीं आता। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।